नाज़र में इस वक्त मौजूद हूँ फॉन्टन हाउस के अंदर फाउटन हाउस का नाम अगर जहन में आता है तो यहाँ पर मुख्त सारे जो शोबे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं जिसमें ज़हनी मरीजों का इलाज भी हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है फ़ाउटन हाउस के अंदर जिस तरह ख्वालसरा का हो गया जहनी मरीजों को काम सिखाया जा रहा है और हेंडी क्राफ्ट के हवाले से काम किया जा रहा है और ख्वाद सराहों को वजीफ़े भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है ख्वाहस के लिए भी ट्रेलिंग का जो ए, स्टिचिंग का काम है वो भी सिखाया जा रहा है फाउंटेन हाउस कब बना इसकी डिटेल क्या है हमारे साथ डॉक्टर अशरफ मौजूद हैं हम है। उसे थोड़ी सी डिटेल पूछेंगे कि सर ये फ़ाउंटेन हाउस कब बना और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे पहले जी सर बताइएगा बस्मिन मान रही बहुत शुक्रिया जी आप यहाँ पे आए इस कवरेज के लिए जैसा कि आप इस बिल्डिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो इस बिल्डिंग की एक बहुत फैंटसी सी एक कहानी है इसको सर गंगाराम ने पाकिस्तान बनने से बहुत अर्सा पहले अपनी बेवा बहू के लिए बनाया जैसा कि वो आपको पता है हिंदुओं में रसम होती है कि जब किसी के यंग बेटे की डेथ हो जाए तो उसकी बहू को उसकी बीवी को साथ ही उसके वो सती कर देते हैं लेकिन सर गंगा राम ने यह किया कि अपनी उस बेवा बहू और उस तरह जैसी बहुत सी खवीन के लिए ये जो बिल्डिंग पीछे आपको नज़र आ रही है ये एक विडो होम यानी विधवा आश्रम के नाम से बनाया और पाकिस्तान बनने तक यहाँ पर वही ख़वात रहती जो थी जो बेवा थी और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद फिर ये इसको फाउंडन हाउस में चेंज किया गया अच्छा अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग कितने साल हो चुके हैं तकरीबन ये तकरीबन इसको सौ साल के करीब तो ये बिल्डिंग हो चुकी है ये जो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है ये पुरानी बिल्डिंग है बाकी जो इस बिल्डिंग के बाकी आपको ब्लॉक्स नजर आएंगे नहीं वो नए हैं ठीक है जी जी नाजी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि डॉक्टर सर गंगाराम जिनके नाम से एक हॉस्पिटल भी मौजूद है और साथ ही ये फाउंटन हाउस की हिस्ट्री भी उन्हीं के साथ मिलती है तो हम इनके साथ मिलकर जो इनका प्रोजेक्ट है डॉक्टर शहर साहब का ख्वाह राव की जो वजीफे के हवाले से और जो हुनरमंदी के हवाले से हम उनकी तरफ आपको लेकर चले जी नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़ाउटन हाउस में जहाँ पर फ़ाउटन हाउस और अकोवत के मुश्तरक एक्ब्रेसन से एक वजीफ़ा चल रहा है जो कि फिफ्टी प्लस ख्वाजा सराह हैं उनको मिल रहा है और ये बड़ी अच्छी काविश है फाउटन हाउस की और अवत की जो कि जितने भी हमारे यहाँ पर लाहौर में या पूरे पंजाब में फैसरा हैं फिफ्टी प्लस जो हैं उनको वजीफ़ा दिया जाता है और इस प्रोजेक्ट को लाहौर में जो डी हेड कर रहे हैं वो डॉक्टर अशरफ हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं हम इनसे पूछेंगे कि वो वजीफा कितना होता है और ये किन किन इलाकों में मिल रहा है पंजाब के अंदर जी सर बताइए बस्मिला माने रहीकम बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए इस प्रोग्राम के लिए तो ये प्रोग्राम एक्चुअली हमारा ख्वाजा सपोर्ट प्रोग्राम है जो 2011 में शुरू हुआ इस वक्त हमारे पास ख्वाजा सराओं की जो हमारे पास रजिस्टर्ड ख्वाजा हैं वो तकरीबन 800 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हैं जो अपना काम नहीं कर सकते जिनको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है जो मुख्तलिफ़ की बीमारियों का शिकार हैं हम हर महीने उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में यहाँ पर बुलाते हैं उनको हम बारह सौ रुपये महीना एक वज़ीफ़े की शक्ल में उनको देते हैं ताकि उनकी कोई छोटी छोटी सी जरूरियात पूरी हो जाएँ और आपने देखा होगा कि अक्सर फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस लोगों में किस्म की बीमारियों का शिकार भी होते हैं तो हम उनको जब यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं जिनमें मुख्तु किस्म की बीमारियाँ हैं जैसा कि शुगर है हाइपर टेंशन है या फिर आ, हेपेटाइटिस सी है हेपेटाइटिस बी या एच आई वी वगैरह इस तरह की बीमारियों की हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और फिर हम उनका ट्रीटमेंट भी कोशिश होती है कि हम उनका ट्रीटमेंट मैक्सिमम लेवल पे यहीं पे करें वो एक पूरा दिन हमारे साथ आके गुजारते हैं हमारे साथ वो खाना वगैरह खाते हैं हमारे साथ बैठते हैं अपने दोस्तों से मिलते हैं तो इस तरह से एक खूबसूरत दिन और खूबसूरत यादें वो लेकर अपने साथ जाते हैं साथ थोड़ा सा उनके लिए हम खिदमत के तौर पर उनको वजीफा भी देते हैं अच्छा पूरे पंजाब में आपकी ये वर्किंग चल रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में और भी ऑफिस हैं जी एक्चुअली uh, ये है कि हमारे पास लाहौर के तकरीबन 600 के करीब 700 के करीब तो लाहौर के लोग ही रजिस्टर्ड हैं जो हमारे पास इन uh, ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं इसके अलावा हमारे पास हमारा फाउंटेन हाउस की सेकंड ब्रांच जो है वो सरगोदा में भी है और एक फारुखाबाद में भी है तो कुछ लोग फारुखाबाद के भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनके लिए हम वहाँ पर जाते हैं और uh, तकरीबन सौ तो के करीब लोग जो हैं वो सरगोदा में हैं हम उनके लिए एक महीने में एक बार वो लोग वहाँ पर आते हैं हम भी जाते हैं तो इसी तरह का एक प्रोग्राम हम वहाँ पर भी करते हैं इसके अलावा हम मुख्त शहरों के जो दूर के शहर हैं जो हमारे पास लोग नहीं आ सकते हमारी जो अहवत की जो ब्रांचेस हैं तकरीबन सात के करीब आठ के करीब लोग जो हैं वो उन पूरे पंजाब में वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं इवन के कराची तक के लोग रजिस्टर्ड हैं जिनको हम अपनी अहवत की ब्रांचिज के थ्रू पैसे देते हैं अच्छा जितने भी पंजाब में जितने भी कौवत के या फाउंटेन हाउस के वो सब प्रोजेक्ट को हेड आप कर रहे हैं जी इधर फाउंटेन हाउस की हद तक तो मैं ही हेड कर रहा हूँ एज आ प्रोजेक्ट मैनेजर और बाकी जो हुवत की तरफ से जो लोग रजिस्टर्ड हैं हमारी जो ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे हम उनको वजीफ़ा उन वहीं पे पहुँचा देते हैं जितने दे भी ख्वास रहा हैं उनको आप कोई हुनरमंदी के कोई हुनर सिखाते हैं यहाँ पर जी बिल्कुल हमारा एक तो अपना यहाँ पे स्टिचिंग यूनिट है जिनको हमारे ख्वाजा शरा मर जो हैं वही रन कर रहे हैं हमारे वो एम्प्लॉइज़ हैं तकरीबन पाँच छः लोग हैं हमारे पास वो यही काम करते हैं और जो लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं आना चाहते हैं हम उनको वेलकम करते हैं हम उनको यहाँ पर बुलाते हैं हम उनको आने जाने का डेली जो है वो उनका किराया वगैरह ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह हैं वो भी हम उनको देते हैं और बाकायदा हमारी वर्कशॉप्स होती हैं ट्रेनिंग सेशनस होते हैं जिनमें बीस बीस पच्चीस पच्चीस लोग जो हैं वो यहाँ पर आके ट्रेनिंग करते हैं हम उनको सिलाई मशीनें भी देते हैं इसके अलावा हम मुख्तलिफ जगहों से उनको ब्यूटिशन के कोर्सेज भी करवाते हैं और हम एक काम और करते हैं उनकी जॉब प्लेसमेंट्स का भी कि जो लोग काम करना चाहते हैं इन लोगों में से मुख्तारों में मुख्तलिफ जगहों में या मुख्तलिफ घरों में जिनको कोई काम आता है हम उनको प्लेसमेंट भी करते हैं उनकी जॉब प्लेसमेंट भी और फिर ये है कि हम उनको हुवत के थ्रू जो लोग काम करना चाहते हैं कुछ लोग अपनी शॉप्स बनाना चाहते हैं या जिनको जो सिलाई वगैरह का कोई काम सीख के करना चाहते हैं अपने घरों में दुकान वगैरह बनाना चाहते हैं हम उनको हुवत के थ्रू कर्जे भी दिलवाते हैं अच्छा कोई ऐसे ख्वाहसरा हैं जो कि इस वक्त हुनरमंदी करके या कारोबार करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जी मुखलित शहरों में हैं बहुत सारे लोग हैं जो मेकअप का ज्वेलरी का स्टिचिंग का काम करते हैं अपने अपना अलहमद वो बड़ा अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं बल्कि हमारे दो ख्वाजा सरा कोर्ट में इम्प्लॉ भी हैं इस टाइम पर अच्छा जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पिछले दिनों ए, मुल्तान में एक ख्वाजा शरा के लिए स्कूल बना है आपकी क्या राय है कि इसको पूरे पंजाब में जो बड़े शहर इसमें लाहौर है गुजरावाला है सरगोदा है पिंडी है वहाँ पर भी होना चाहिए बिल्कुल जी जरूर होना चाहिए क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी है जिनके पास ना तो एजुकेशन होती है ना कोई स्किल होती है तो ये बेचारे सड़कों पे भीख मांगने पे मजबूर होते हैं अगर इनके पास एजुकेशन होगी कोई स्किल भी बल्कि ना सिर्फ एजुकेशन कोई स्किल्स के लिए भी बेहतरीन किस्म की इंस्टीट्यूशनस होने चाहिए जो लोग नहीं पढ़ सकते जिनके लिए पढ़ना मुश्किल है वो काम सीख लें और वो अपना काम सीख कर अच्छा रोज़गार कमाएँ क्योंकि इनके लिए अच्छा और जो बाजद रोज़गार है ही नहीं नामुमकिन है इनके लिए ना इनके पास कोई एजुकेशन है ना ही कोई स्किल होती है जिस तरह कोरोना की वबा चल रही है और दो साल हो चुके हैं तो उसके दौरान आप किस तरह डील करते हैं सारे सिस्टम को देखिए जी हमने कोविड में भी इनकी हेल्प करना नहीं छोड़ी ये हमारे पास पहले ये होता था कि सारा दिन हमारे साथ ये गुजारते थे हम इनके साथ मुख्त किस्म की एक्टिविटीज़ करते थे अब उस तरह से प्रोग्राम तो हम नहीं करते ये वन बाय वन आते हैं हम इनको स्टाइपेंड देते हैं या जिनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है हम उनको मेडिसिन देते हैं और बल्कि हमने इनको हर रमज़ान में ईद के दिनों में हम इनको रमज़ान का राशन भी देते हैं ईद पर कपड़े वगैरह भी देते हैं अभी पिछले दिनों में जो बड़ी ईद गुजरी है तो हमारी कोशिश थी कि जो लोग आएँ वो हमसे गोश्त भी लेकर अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि आपके जितने भी रजिस्टर्ड ख्वाजा शरा हैं उनको वैक्सीनेशन लगवाई है आपने जी बिल्कुल उनको ये वाली जो फैसिलिटी है वो भी हमने इनको यहीं पे अपने फाउंडेशन हाउस में ही प्रोवाइड की है हमारे पास हेल्थ की टीम दो दफ़ा आई है महीने में महीना पहले भी और महीने के बाद भी तो हमने इन सबको एक ही प्रोग्राम में बुला के सबको फर्स्ट डोज भी लगवाई है और सेकंड डोज भी इनकी कंप्लीट करवाई है नहीं जितना आप कह रहे हैं कि लाहौर से बाहर भी हैं हमारे तो सारे यहाँ पर आए थे कि आपने वहाँ पर भी जाए ये ये है ये हमारे पास लाहौर से जो बाहर वाले हैं उनकी तो वहीं पर हुई है लेकिन बहुत से लाहौर से बाहर वाले लोग जो हैं वो हमारे पास आते हैं कसूर से भी आते हैं गुजरावाला से भी आते हैं उकाड़ा से भी आते हैं साहिवाल से भी आते हैं वो सिर्फ इसीलिए कि जो फैसिलिटीज़ इनको यहाँ पर मिल सकती हैं वो पूरी की पूरी वहाँ पर नहीं मिलती इनको मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है है इनको और भी फिर ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अपने दोस्तों से भी यहाँ पे आके मिल लेते हैं जो जिनके लिए इनके लिए आ, मिलना जो है बड़ा मुश्किल होता है तो ये उनसे भी आके मिलते हैं तो इसलिए ये बड़ा खुशी खुशी यहां पर आते हैं दूर दराज के शहरों से भी आते हैं तो हमने इनको यहीं पर इसी हॉल में ही सबकी वो वैक्सीनेशन करवाई जिस तरह फॉन्टन हाउस के हवाले से देखा जाए तो कई ख्वाजा सराज हैं जिनके घर वाले भी इस एज में कहते हैं कि हमने एक्सेप्ट नहीं करना और उनकी शादी भी नहीं होती वो ख्वाजा सराज वो कहाँ पर जाते हैं वो अपने एक तो ये है कि उन्होंने अपने फैमिली सिस्टम्स बनाए होते हैं ये उन फैमिली सिस्टम सेटअप में रहते हैं जैसे इन्होंने अपने चेले बनाए होते हैं उन चेलों के साथ रह लिया लेकिन उनकी हालत इतनी कोई बेहतर नहीं होती क्योंकि आज तो तोलाद अपने माँ बाप को नहीं पूछती मोस्टली तो ये इनको कौन पूछेगा लेकिन फिर भी ये हमारा अगला जो प्रोग्राम है हम उस पर काम कर रहे हैं कंपैशन होम का इनशाला वो हमारा जल्दी ही प्रोग्राम तैयार है और फिर ऐसे लोग जिनको कोई बिल्कुल बेसहारा हैं बेसरा हैं हम उनको अकोमोडेट भी करेंगे ख्वाह सराह मौजूद हैं जिनका नाम आशी है और ये यहाँ पर हुनरमंदी का काम का कर रहे हैं कपड़े सिलाई कर रहे हैं तो हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर ये फाउटन हाउस में ये जो कपड़ों की सिलाई वगैरह कर रही हैं और यहाँ की इम्प्लॉयज़ भी हैं तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इनका जो है एक्सपीरियंस जो है दर्जी का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो किस तरह काम कर रहा है और किस तरह ये अपने जो हैं ख्वाह सरा जो हैं उनको यहाँ पर ला कर उनकी हेल्प करवाते हैं बिस्मिल मेरी मैं आशी फ्रॉम फाउंटेन हाउस मैं फ़ाउंटेन हाउस में अरसा दस साल से जी काम कर रही हूँ स्टिचिंग का यहाँ की हेड हूँ मेरे पास ख्वाजा शराब भी आते हैं हमारे यहाँ पे अपना पेशेंट भी आते हैं जिनको यहाँ पर सिखाती हूँ मैं ये टेलरिंग का काम हमारे तीन फाउनटेन हाउस हैं लाहौर सरगोदा और फारूक में सब में जितनी भी स्टिचिंग होती है बेडशीट वगैरह हों सूट हों पेशेंटों के सूट हों हमारे स्टाफ के सूट हों सब यहीं से बन के जाते हैं यहाँ पे ये मैं रन करती हूँ मेरे पास मेरे ख्वाजा साहब भी आते हैं उनके टाइमिंग होते हैं और मेरे पेशेंट भी आते हैं जो आके सीखते हैं यहाँ अच्छा तो अभी तक कितने शागिद आपके हैं जो ट्रेलरिंग वगैरह सीख रहे हैं माशाला मेरे पास जी काफ़ी सारे हैं मैं यूनिवर्सिटी में भी जाती हूँ लम्स जी और सारी यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर देती हूँ उन्हें मैं बताती हूँ कि आने वाले जो लोग हैं उनके साथ ऐसा जी यू ना हो मैं आगा फैमिली से हूँ ना तो मैं उन्हें जी बताती हूँ कि मेरी भी बैकग्राउंड जो अच्छी थी तालीम याफ़्ता थे सब लेकिन उन्होंने ना एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया तो अब मैं ये ये चाह रही हूँ कि जब मैं लायक हो गई मैं अब वो देखते थे वज़ीर के साथ बैठी है सफ़ीर के साथ बैठी है शबाज़ शरीफ के साथ बैठी है तो उन्होंने फिर इन्हें एक्सेप्ट अब नहीं किया कि वाकई उसने तो बहुत ही हिम्मत की है मेहनत की है जिसमें उसने एक अबूर हासिल किया है और वो अपनी जगह पे आ गई है फिर मेरे ख़ानदान वालों ने एक्सेप्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है मेरे ख़ानदान में मेरी मैं तीन बजे तक फोन टीन में होती हूँ इसके बाद अपने घर पर जाती हूँ तो अपनी जाके के वालदा को संभालती हूँ तो जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने मुल्तान में एक ख्वास राओं के लिए स्कूल खोल दिया है इसके ऊपर अब क्या कहेंगे दूसरे शहरों में खुलना चाहिए ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो एक अच्छी अपना काविश है यही तो मैं चाहती थी मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर हुए हैं कि मेरे ख्वाजस्व के लिए आसानियाँ पैदा हों अभी यह पब्लिक के ना अपना चैनल पे जाके मैंने एक इंटरव्यू दिया था उसमें बांग्लादेश में उन्होंने नौकरियाँ दी थी इसके लिए मैंने इमरान ख़ान साहब को अपना बोला था कि हमारे लिए भी वो नौकरियाँ होनी चाहिए उन्हें अपील की थी कि हमारे लिए भी को आसानियाँ हों बहुत सारी मेरी ख्वाद जो यानी कि जी तालीम वाले भी हैं और जिनके पास ना, ना नहीं भी हैं जो छोटे हैं उनको आप ना छोटा साहदा दे दें जो बड़े हैं उनको बड़ा दे दी एक ख्वाद मौजूद है जिन्होंने से कर्जा लेकर कारोबार शुरू किया है वो कारोबार क्या है और उससे कितनी प्रॉफिट आ रही है और किस तरह वो अदायगी अकूत को वापस कर रहे हैं हम यहीं से पूछेंगे जी आपका नाम क्या है जी मेरा नाम अहमद अलबी है जी ठीक है और आपने अकूत से जो कर्जा लिया है उस पर क्या कारोबार कर रहा है जी मैं कॉस्मेटिक का कारोबार कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ लेडीज के जो चीज़ेंसी होती हैं उनका कारोबार कर रही हूँ हाँ और कौन सा इलाक़ा है आपका सर जी मेरा इलाका छांगा मांगा चुनिया है है जी और वहाँ पर जो है ख़वान की जो गांव में जो रहते हैं तो वो किस तरह आप डिलीवर कर रहे हैं ये दुकानों में किस तरह सर जी मैं डोर टू तो डोर जाके घरों में वो चीज़ें देता हूँ तो वो मुझसे पूछती हैं कि ये चीज़ चाहिए वो उनको ला के देता जो उनकी ज़रूरियात होती है जो कि वो दुकान पे जाती हुई शर्माती हैं लेकिन मुझसे वो बिला खौफ होकर चीज़ें लेती है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कारोबार दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करा और इसमें आता अख़ूब का बहुत ज़्यादा है और मेरे स्टाफ का भी सर जी बहुत आता है फाउंटर हाउस के जो स्टाफ है ना वो बहुत अच्छे हैं उन्होंने मुझे कर्ज़ा ले कर दिया तकरीबन मैं डेढ़ लाख कर्ज़ा लिया और वो डेढ़ लाख कर्ज़ा मैं वापस कर चुकी हूँ और मैं मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ पड़ रही कि मैं कर्जा लूँ क्योंकि अल्लाह पाक ने बरकत डाल दी है और मैं इधर भी काम कर रही हूँ और अपना रोज़गार भी चला रही हूँ मैं डांस करती थी बहुत काम करती थी और मैंने तौबा कर लिया ना डांस करती न कोई अल्लाह पाक ने मेरा हाथ पकड़ लिया जी मतलब तो डांस करने से जो ए, ए, खाने पीने की जो इशीज़ आप खरीदती थी तो जब से आपने कारोबार शुरू किया है तो आपने बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया हाँ जी मैंने बिल्कुल ख़त्म कर लिया और तौबा कर ली है बिल्कुल तौबा तो कर ली और मैं मुझे तकरीबन तो आठ हज़ार दस हज़ार कभी बीस हज़ार प्रॉफिट आ जाता है और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ मुझे उसने गुनाह की बस्ती से निकाल दिया अच्छा आप अपने ख्वाजा सरा जो भाई हैं उनको कोई पैगाम देना हाँ जी मैं अपने ख्वाजा शराब भाइयों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये जो लोग आप भीख मांगते हो अगर आपके पास कुछ हुनर है तो अपना वो हुनर इस्तेमाल करो आप कर्ज़ा लो अपना कारोबार चलाओ और और दुनिया को दिखा दो कि हम ख्वाजा सरा सिर्फ बेग नहीं मांगते डांस नहीं करते हम सब कुछ कर सकते हैं और इन शाला मेरे ख्वाजा करेंगे जी नाजरी मैं इस वक्त फाउटन हाउस के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर ये मैं मेरा कैमरा मैन दिखाएगा आपको कि यहाँ पर जहनी तोज़ुन के जो मरीज़ हैं उनको हुनरमंदी भी सिखाई जाती है आज के हवाले से हाथ की जो बनाने की जो चीज़ें हैं उनको सिखाया जा रहा है आप मेरा कैमरा में दिखाएगा आपको पीछे वो सारे के सारे जो, जो जहनी तौर पर जो मरीज़ हैं उनको ये काम सिखाया जा रहा है और हमारे साथ एक यूथ के यंग टीचर हैं यहाँ पर जो इस क्लास को हेड कर रहे हैं हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो आर्ट की जो ट्रेनिंग है या एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल की तो कब से ये इनको पढ़ा रहे हैं जी बताइए है पहले नाम क्या मेरा नाम वजीर ख़ान है बेसिकली सर मैं इस फील्ड में तीन साल से हूँ और मैंने अलमराट कौंसिल से भी कोर्स किए हुए हैं और द टार जंक्शन से भी किए हुए हैं फ़िलहाल मैं, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ एज आर्ट टीचर तो इनको मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बताता हूँ और साथ साथ जो इनकी मेंटल कंडीशन होती है उनको भी समझना होता है एक एज आर्टिस्ट होके एज़ थेरापिस्ट हूँ और साथ में एक साइकोलॉजिस्ट भी आधा हूँ तो इनके साथ ये है कि इनको साइकोलॉजिस्ट पहले थे कि अब हो गए अभी हो गए साथ साथ इनको तो ये है हम लोग यहाँ पे काम करवाते हैं वो क्या कहते हैं इनको बिज़ी रखने के लिए तो ड्राइंग uh, होता है इसमें से फैब्रिक पेंटिंग होता है और क्ले uh, से काम करवाते हैं इनको स्प्रे पेंटिंग होती है तो काफ़ी डिफरेंट मटेरियल इनको एक्सप्लोर करवाते हैं तो इनको बिज़ी रखने के लिए असल जब से आपने ज्वाइनिंग की है तो आप इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं मुझे तो बड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि ये एक बेसिकली uh, इनका कोई होता नहीं है असल में जो मैंटली है होते हैं ना इनको कोई समझ नहीं सकता बहुत कम लोग होते इवन इनकी फैमिलीज़ वाले भी नहीं समझते तो यहाँ पे आके इनके साथ काफ़ी अच्छा लगता है और इनका बिहेव देख के हमारे साथ भी अच्छे चलते हैं एक खलूस से मतलब आम नॉर्मल इंसानों से हट के हैं जो आम नॉर्मल इंसान होते हैं आपको घर वाले तो नहीं कुछ कहते कि फोनटन हाउस में आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो यार घर में भी आके आप कोई अच्छी अच्छी बात करते हो तो कहते कि लारा असर पड़ रहा है नहीं वैसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि आप पागलों को पढ़ा रहे हो तो आप भी पागल हो जाओगे नहीं ऐसी बात तो नहीं है वैसे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और इनसे हम सीख भी मतलब सिखाते हम कम है लेकिन सीखते बहुत कुछ है और एक ज़िंदगी की हमें पता चल जाता है कि ज़िंदगी क्या है इनको देख के कि हमें अपने आप पर शुक्र अदा करना चाहिए कि इनको देख के मैंटली कंडीशन के शुक्र है अलहमदिल्ला हम तो काफ़ी बेहतर हैं इन, इनके नस्बत देखा जाए तो जिस तरह आपकी यंग एज है तो उस हवाले से आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं फाउनटेन हाउस में इनके साथ जॉब करूँगा और मुझे यही पेशेंट मिलेंगे आ, असल में मैंने ना यहाँ पे कोई दो साल तक मैं फ्री इंटर्नशिप पे काम कर रहा था इनके साथ, में फाउंटेन हाउस में।, में तो जॉइनिंग अभी मेरे तकरीबन एक साल हो गए अभी मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो इनके साथ मैं इन... साल दो साल तक मैं फ्री में था क्योंकि इनके साथ एक ए, सुकून मिलता था काम करते वक्त और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी और हमारा एक आर्ट का फील्ड है इनमें मैंने मतलब यही चीज़ है कि इनको बिजी रखने के लिए और इनका जो माइंड सेट है वो कलर्स के थ्रू हम लोग ना वो जो सोचते हैं वो मतलब उससे हट के हम लोग कलर्स पे ले आते हैं कि कैनवस पे हो चाहे फिर वो कलर्स पेंसिल हो तो मतलब उस पर हम लोग इनको बिज़ी रखते हैं और इस इसमें काफ़ी मतलब मज़ा भी आता है एक सुकून भी मिलता है दिल को तो ये देखा जाए तो आप जिस तरह यूथ के हवाले से यंग हैं और जब आप फंटन हाउस में इंटर्नशिप भी करके गए हैं तो मुझे लग रहा है कि जब उसाद कोई टीचर्स एक बच्चे को सिखाता है तो बच्चा आगे से बोलता नहीं तो इस उम्र में भी ये लोग हैं तो आप तो महारा बच्चे ही समझते होंगे बिल्कुल ऐसे ही है इनकी मैंटेलिटी बच्चों जैसी ही है वैसे बज़ाहिर तो वो बड़े लगते हैं लेकिन वो है बहुत छोटे मतलब माइंड से तो इनके साथ ना बच्चों की तरह ही बिहेव करना पड़ता है और ये भी आगे से बच्चों की तरह ही मतलब प्यार और शफकत से बात करते हैं हमारे साथ नाजीन जिस तरह आपने ये फाउटन हाउस पर देखा कि जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं जो जहनी तौर पर मरीज़ हैं और पहले हमने डॉक्टर से भी बात करवाई इस साहब से भी और ख्वाह से रहा जो वजीफे यहाँ पर चल रहे हैं और टेलरिंग के जो है वो काम चल रहे हैं उसी तरह यहाँ पर एक यूथ का बंदा जो है कि यहाँ पर जहनी मरीज़ जो हैं उनको काम सिखा रहा है ओ मेरा ख्याल है ये बड़े हमारे कौम के लिए बड़ी फख्र की बात है कि एक यूथ में से एक बच्चा उठ कर कहता है कि मैं इन लोगों को काम बताऊँगा क्योंकि ये लोग उम्र में बेशक बड़े हैं लेकिन जहनी तौर पर ये बच्चे हैं